और कलते गांव शिवरी से जहां से जहां पर भोपाल से आई मेडिकल चेकिंग टीम ने शिवरी आकर कोतवाली पुलिस और तहसीलदार को साथ में लेकर श्रीराम कॉलोनी पहुंचे, वहां मेडिकल की जांच की। चेकिंग के दौरान मेडिकल भी सील कर नवाब शहर रोड कहीं मेडिकल पर पहुंचे और वहां सुबह मेडिकल होना बंद मिला, फिर टीम वहां से वापस लौटकर चली गई। जहां जानकारी हमारे साथ में कोतवाली टीआई सुनील कैमरिया जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सिटी अपडेट लाइव न्यूज में। जी, धन्यवाद, बताइए। सर, कुछ मेडिकलों पर कानूनी कार्रवाई की गई है सर, क्या कुछ पूरी कार्रवाई की गई है? मेडिकल स्टोरों पर जो कुछ पुरानी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा जो टेस्ट लेने वाले पीने वाले इन लोगों को डिस्पोजेबल सिरिंज और इंजेक्शन आदि सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, उस सूचना के आधार पर कलेक्टर साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उस टीम के साथ में इनको चेक किया जा रहा है। तो जहाँ कुछ अनियमितताएं पाई जा रही है वो ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। जी सर। सर, नैनसिंह सिसोदिया ने क्या किया था, इसमें का खेल प्रशासन की नाक के नीचे चल जाता, तो इस पर आप क्या बया करोगे? बिल्कुल गलत है कि पुलिस के साथ में मिलकर इस प्रकार की अवैध ड्रग्स की कार्रवाई कर रही है। इस पर इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है कि उस पर पुलिस लिप्त है। पुलिस लगातार शुरू से कार्रवाई करती चली आ रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।